بسم الله. ये होता भी नहीं ला यार, ये कमाल चीज़ है। वो जो था ना मैकडोनल्ड, वो जो यार मैं ऐसे सेल्फी लूँ जरा, ऐसे ऐसे तस्वीर तो लेना जरा मेरी, शायद मैं मशहूर हो जाऊँ। आ गई, ओके चलो। अब शायद मैं भी, मुझे अब लगेगा कि शायद मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ जिसने टिम हॉर्टन्स पे आके कॉफ़ी पी ली, मुझे वो ये सोसाइटी अब शायद मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। फिर बाद में कहते हैं मुफ्त की कॉफ़ी पी के आप अच्छे रिव्यू देंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज आकिब मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के अंदर। आजकल हम बहुत पुट्टे सीधे काम कर रहे हैं। पुट्टे सीधे काम से मुराद ये है कि हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि क्या आपको इस जगह पर जाकर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत है या नहीं है, और अगर आपने पैसे खर्च कर लिए हैं तो आपको उस पर पछताना चाहिए या नहीं पछताना चाहिए। पहले लास्ट वीडियो के अंदर हमने बीफ बर्गर कंपेयर किया था, उसमें हमने एक रिजवान बर्गर का 400 रुपये वाला बर्गर लिया था, उसके बाद हमने बर्गर मार्ट का 1000 रुपये वाला बर्गर लिया था, और फिर अमावी का वैग्यू बीफ बर्गर जो कि 4200 प्लस टैक्स में मुझे तकरीबन 4400 में कॉस्ट किया था, क्योंकि मैंने कार्ड पे पेमेंट की थी, और अगर आप कैश पे पेमेंट करेंगे तो आपको 4600 में कॉस्ट करेगा। ये कंपैरिजन अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे जाके क्लिक चेक कर लें आप। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो उसमें नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा। एनीवेज, इस वीडियो के अंदर हम एक और कंपैरिजन करने जा रहे हैं। मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगी हर बात इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर हम एक और कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो कि है कॉफ़ी के बारे में। एक रिसेंटली एक ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान के अंदर आया है, लाहौर के अंदर आया है, DHFA 6 के अंदर, और उसने आते ही यहाँ पे अन्नी उन्नी पा दी है, और लोग उसके पीछे पागल हुए हैं, लोगों की लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, स्टिल लगी हुई हैं। उसको आए हुए तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक लाइंस मौजूद हैं और लोग लाइंस में लग के उस कॉफ़ी को ले रहे हैं। तो हम उसको कंपेयर करेंगे ऑलरेडी यहाँ पर जो ब्रांड्स मौजूद हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स, उनके साथ। सबसे पहले हम लेंगे मैकडोनल्ड की मैकैफे, उसको ट्राई करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी मेकर्स कंसिडर किए जाते हैं लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, पहले मैकडोनल्ड्स पे चलते हैं, उसके बाद जाएंगे हम कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ पे, फिर जाएंगे टिम हॉर्टन्स पे। कैमरा लेके नहीं जा रहा, मैं खुद जा रहा हूँ जाके, मैं कॉफ़ी लेके, आप यहाँ पर रुके, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये आपने मुझे कहना है मैं वापस आया हूँ ना बाहर से। अच्छा यार, ये जो है ना हम ले आए हैं इनकी मैकैफे, ये है वनीला। हमने ये डिसाइड किया है, हमने और मेरे कैमरे के पीछे जो लड़का को नज़र नहीं आ रहा, हमने मिल के ये डिसाइड किया है कि हम इनके वनीला फ्लेवर ही ट्राई करेंगे तीनों का, क्योंकि तीनों के पास वनीला फ्लेवर मौजूद है। वनीला लाटे है 456 की है वनीला लाटे, और इस पर हमें 73 रुपये टैक्स पड़ गया। खैर मैं संभाल के रखूँगा, इसके अंदर क्या है। ओह अच्छी है यार, इसको ट्राई करते हैं। वनीला फ्लेवर के अंदर है, और मैं पहली दफ़ा ट्राई कर लूँगा। 8 ounces का कप है, स्मॉल कप। बिस्मिल्लाह यार, अभी तो सिर्फ जाग ही आया, जाग ही आ रहा है यार। ओह नाइस। एक चीज़ है कि चूंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स हम कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइसेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन टेस्ट वाइज चेक करना चाह रहे हैं। मैकडोनल्ड्स की चेक कर ली है, सिंपल अच्छी लगी है। इसका फ्लेवर मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें दूध की जगह ना मुझे थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा है, दूध का जो फोमी टेक्स्चर होता है वो इसके अंदर कम है, पानी वाला फ्लेवर ज़्यादा है, बाकी कॉफ़ी का अपना फ्लेवर, और हल्का सा बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर जो है ना वो वनीला का है। वो ज़्यादा पतली है यार ये, इनको जो दूध है ना वो अच्छा वाला यूज़ करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हुई है कॉफ़ी। जैसे पानी के अंदर इन्होंने खुश्क पाउडर डाल के और ऊपर से इसके अंदर कॉफ़ी डाल के उसको ब्लेंड कर दिया, या कॉफ़ी को ब्रू कर दिया इन्होंने। कॉफ़ी के अंदर अगर आप चीनी डाल देंगे तो कॉफ़ी का एक्चुअल मकसद फोत हो जाता है। कॉफ़ी जो थी शुरू दिनों के अंदर जो कैथोलिक रोमन कैथोलिक थे उनके नज़दीक ये हराम थी, क्योंकि कॉफ़ी का जो ओरिजिन है वो टर्की है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको इवॉल्व किया गया, तो फिर अब ये ऐसा ड्रिंक बन गया कि हम ये समझते हैं कि अंग्रेज़ों का ड्रिंक है, ऐसा नहीं है, ये ऑटोमंस का मुसलमानों का ड्रिंक है टोटली। और ये चाय से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉफ़ी हमारी जो है वो है कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ की, उसको जाके चेक करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जाके जो इन्होंने रश लगाया था वहाँ में, वो क्यों लगाया था, मतलब क्यों टिम हॉर्टन्स पे जाके इतना रश लगाया था। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फेज़ 5 के अंदर जो इनकी ब्रांच है मैकैफे मैकडोनल्ड्स की, वहाँ से हमने कॉफ़ी ट्राई की थी, और हम फेज़ 5 वाली ब्रांच में जा रहे हैं कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ की के पास चलते हैं। अंदर से जाके इनसे वनीला लेके आते हैं, मतलब वनीला वाली कॉफ़ी, वनीला लैटे जो भी है। चलो भाई ले लिया, आ जाओ। लो जी भाजी,
ये है जी हमारा अगला कप। इसमें सबसे जो डिफरेंट चीज मुझे लग रही है ना, एक तो ये पर्पल कलर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है इसका। हाँ, काफी गर्म है इसलिए उन्होंने हमें ये पर्पल कलर का चढ़ा के दिया है। अगर आपको भी कोई चीज गर्म लग रही है ना, तो कोई भी पर्पल कलर की चीज उसके ऊपर चढ़ा दे तो आपको पकड़ने में आसानी होगी। इसमें दो तीन चीजों का डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो साइज है ना, ये 12 ounces है। जो हमने मैकडोनल्ड्स की ट्राई की थी, वो उनका स्मॉल जो कप आता है वो 8 ounce का आता है। वहाँ पे 4 ounce की भी ऑप्शन थी, मुझे शायद नजर आया वहाँ पर। इसकी शक्ल देखते हैं, इसका लाटे लुटे कोई नहीं है। ये भाई ऐसे ही होती है कि कॉफ़ी बीन के अंदर आपको वनीला जो लाटे आर्ट होता है, जो कॉफ़ी के ऊपर बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर कॉफ़ी थोड़ी सी भी ठंडी हो जाए तो कॉफ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अगर इतने स्टैंडर्ड्स को ये मेंटेन कर रहे हैं तो वाकई ये कोई कमाल की चीज़ है। एक और बात आपको कॉफ़ी के बारे में वैसे ही बता देता हूँ कि कॉफ़ी अगर आपकी ठंडी हो जाए, अगर आपने गर्म कॉफ़ी ली थी ठंडी हो जाए, आप उसको दोबारा रीहीट करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। ओए होए, आए हाय हाय, ये होता वनीला यार, ये कमाल चीज़ है। वो जो था ना मैकडोनल्ड, वो जो कॉफ़ी पता नहीं क्या था, क्योंकि मैंने स्टार्ट वहाँ से किया था इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको कमेंट दे नहीं पाया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बाकी कॉफ़ी को ट्राई करते जाएंगे तो उसके बारे में भी रिव्यू आ जाएगा, और इसके बारे में मज़ीद रिव्यू हम अगली आखिरी कॉफ़ी ट्राई करने के बाद आपको दे देंगे कि ये क्या था। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है ना भाई, दिस इज़ कमाल। उफ, होय 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 यार, कमाल, रूह खुश हो गई ऐसी कॉफ़ी यार ये। इसमें जो है आपको सबसे पहले जो फ्लेवर आता है, एक तो फोमी फोमी सा टेक्सचर है इसका, फोमी फ्लेवर, फोम इसके एंड तक रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से फोम ख़त्म हो गया तो नीचे पानी है, इसके एंड तक आपको फोमी फोमी टेक्सचर आपको इसका मिलता रहेगा। इसके अंदर सबसे पहला जो फ्लेवर आता है वो वनीला का है। वनीला का अच्छा खासा पंचिंग फ्लेवर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किक आती है वनीला की। उसके बाद जो कॉफ़ी का फ्लेवर वो आता है, और जब आपके ज़बान से ये ख़त्म हो जाती है, जब आपके मुंह से कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है, तो कॉफ़ी का अपना फ्लेवर जो बीन्स का फ्लेवर है ना, वो आपकी ज़बान पे स्टे कर जाता है, जिसकी वजह से आपके ज़बान पे आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद, बल्कि काफ़ी देर तक आपको कॉफ़ी का फ्लेवर आता रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके बारे में। उसका फ्लेवर ऐसा नहीं था, वो जस्ती ख़त्म हो गई थी भाई। इसकी कीमत है 846 रुपये, 846 इंक्लूडिंग टैक्सेस। और इसका जो बिल है, मैं आपको बिल दिखा दूँ, फिर बाद में कहते हैं मुफ्त की कॉफ़ी पी के आप अच्छे रिव्यू देंगे ना। 846 मुझे टोटल की कॉस्ट किया है भाई, 154 वापस करने थे, उसने मुझे 150 रुपये वापस किए हैं। मेरी इंतजामिया से गुजारिश है इस बात का नोटिस लिया जाए, साइज़ बड़ा है प्राइस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली क्योंकि उसका साइज़ उसमें हमें 4 ounces तकरीबन ज़्यादा मिल रही है, उसका 50% इसमें हमें ज़्यादा मिला है, तो उसका 50% अगर हम उसके अंदर ऐड करते हैं 530 के अंदर, तकरीबन 700 something की बनती है। और लेकिन फ्लेवर चूँकि इनहांस है, इसलिए हमें 850 रुपये की कॉफ़ी कॉस्ट की है। आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई करना चाहिए इसको। अगला स्टेशन THA Phase 6। एक और बात, अगर आपकी गाड़ी, अगर आप Phase 5 में मौजूद है ना, और आपकी बाइक पंक्चर हो जाती है, तो आप इधर से आ जाएं भाई जान। ये नंबर लिखा हुआ है नदीम पंक्चर वाले का, ये देखें, नोट कर लें, नदीम पंक्चर वाले को कॉल करें, भाई मेरी गड्डी पंक्चर हो गई, मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, यहाँ से आके पंक्चर लगवा लें, एंड यू कैन थैंक मी लेटर। और हम यहाँ पर लगाते हैं टिम हॉर्टन्स, ये देखो टिम हॉर्टन्स THA Phase 6। कितनी दूर है भाई जान, 10 मिनट की ड्राइव पे है, और लेट्स स्टार्ट द राइड। अच्छा बाजी यार, हम पहुंचने वाले हैं, मतलब सामने वो मुझे नजर आ रहा है टिम हॉर्टन्स है। गाड़ियों की लाइनें मुझे लग रहा है लगी हुई, पता नहीं वो ही हैं या कोई और किसी और काम के लिए उस तक गाड़ियां लगी हुई, क्योंकि यहाँ पे खाली टिम हॉर्टन्स तो नहीं ना, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये भाईजान टिम हॉर्टन्स आ गया है, और ये शिकर के बचाएंगे फूड पांडा वाले को, और ये टिम हॉर्टन्स आ गया है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, वेरी गुड। और ड्राइव थ्रू चेक करते हैं, ड्राइव थ्रू करेंगे, वो लाइन लगी, ओ तेरा पला हो जाए पाकिस्तानियों, तानू की हो गया है यार। ड्राइव थ्रू किधर है भाई, मुझे तो ड्राइव थ्रू नहीं मिल रहा इनका। अस्सलाम वालेकुम यार, ड्राइव थ्रू कहाँ से आपका? वो सर अभी ओपन नहीं हुआ। ड्राइव थ्रू ओपन ही नहीं हुआ, यानी अब हमें लाइन में लगाना चाह रहे हैं, ऐसा अच्छा लगता नहीं लगता ना? अच्छा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, चलो कर लेते हैं, कुछ करते हैं फिर यार। यार जो भी है ना, मैं ये कॉफ़ी बीन का कप लेके अंदर जाऊँगा, और जाके कॉल कॉफ़ी लेके आता हूँ उनसे, चोल ही सही, पता नहीं अंदर जाने देंगे कि नहीं, बस कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन चलते हैं अभी अंदर। लो जी, ये फाइनली हमारे पास जो है, फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हमने रिव्यू करना है, जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, वो ये है टिम हॉर्टन्स। इसकी जो कॉस्ट है, दिस इज़ द बिल, 700 रुपये की पड़ी है, 696। ये वही छोटा कप है 8 ounce वाला, मुझे लग रहा है तो उससे भी कम है, शायद ये 6 ounce वाला है। दोनों के स्मॉल कप से इसकी क्वान्टिटी कम है। ये भी वनीला ही है, ये फ्रेंच वनीला है। खुल गया चाओ यार, मैं सही बताऊँ जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना एक चीज़ का, कि यार बड़ी खूबसूरत चीज़ है यार, ये बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही देखने में, ये देखो बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं है भाई, ये घर में बनाई, इसको ऐसे लगता है जैसे कार नहीं बनाई होती। बिस्मिल्लाह यार, निरी चीनी है भाई, निरी चीनी है, और इसके अंदर जो फ्लेवर आ रहा है ना, ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है वो चीनी का ही आ रहा है।
सिर्फ वनीला का फ्लेवर है और मीठा। यार मज़े की बात बताता हूँ आपको, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मैकडोनल्ड से, जिसके अंदर जो फ्लेवर हमें आया था वो आया था, मेन फ्लेवर जो आया था वो कॉफ़ी का आया था, बिल्कुल पतला पानी की कॉफ़ी थी, बिल्कुल थिकनेस थी नहीं उसके अंदर। और उसके अंदर जो मेन फ्लेवर आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी का आ रहा था, बिल्कुल बराए नाम वनीला का फ्लेवर था। फिर हम आए प्रीमियम ब्रांड की तरफ, जो कि मेरे नज़दीक एक प्रीमियम ब्रांड है, कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ। उसका हमें जो उसमें जो हमें फ्लेवर मिला था वो प्रॉपर ब्लेंडेड फ्लेवर था, वनीला की किक मिलती थी और आफ्टर टेस्ट जो आता था वो हमें कॉफ़ी का आता था और बहुत देर तक ज़बान पे वो रहता था। और उसकी थिकनेस भी बहुत कमाल की थी, उसकी विस्कोसिटी बहुत कमाल की थी, कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा था, पूरी फोमी कॉफ़ी थी वो एंड तक, उसके लास्ट सिप तक आपको फोमी फोमी टेक्सचर आपको फील होता है। इसके बारे में आपको बताऊँ, ये इसके अंदर सिर्फ जो मुझे फ्लेवर आ रहा है इस टाइम वो सिर्फ मीठे का फ्लेवर आ रहा है, बहुत मीठी कॉफ़ी आ रही है और इतनी होनी नहीं चाहिए मीठी। इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दी कि आपने शुगर लेना है या विदाउट शुगर लेना है, इन्होंने ऐसे ही दी है। और इसमें इंतहाई ज़्यादा चीनी डली हुई है और सिर्फ वनीला का फ्लेवर आ रहा है और एंड में हल्की सी कॉफ़ी डली हुई है। मैं आपको एक अच्छा मशवरा देता हूँ इसके, अगर आपने ये बनानी है ना, अगर आप इसके लिए यहाँ पे आ रहे हैं भाई इतनी लंबी लाइन लगाने के लिए, आपको आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक आसान सा आपको मशवरा देता हूँ, घर पर आप नेस्कैफे की कॉफ़ी ले लें, ठीक है, ऑल दो आई डोंट लाइक नेस्कैफे, बाजार से आप वनीला एसेंस लें, दूध के अंदर कॉफ़ी पका लें या दूध के अंदर कॉफ़ी फेंट के बीट करके जैसे भी आपने बनाना है वो डालें और थोड़ा सा वनीला का एसेंस उसमें डाल दें, आप इससे अच्छी बना सकते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। इतना बड़ा कप, मैं बिल्कुल भी बायस रिव्यू नहीं दे रहा, मेरी कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सिंपल जो बाजार से हम रेडी से कॉफ़ी पीते हैं ना, जो स्टॉल लगे होते हैं, अगर आप फोर्ट्रेस में जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे साइड्स पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो कॉफ़ी होती है, थोड़ी सी उससे बेहतर है क्योंकि इसमें कॉफ़ी की किक थोड़ी अच्छी है, कॉफ़ी बीन्स थोड़े इनके बेहतर हैं, ऑब्वियसली बाजार वाले आम नेस्कैफे बीन्स तो बेहतर ही होंगे, लेकिन एक जो टोटल ब्लेंडेड फ्लेवर है, टोटल जो मिक्सर बना रहा है, ये इनकी वो कॉफ़ी है। मैंने जान के सबके पास वनीला ट्राई किया क्योंकि इनकी बेस्ट कॉफ़ी यही कंसिडर की जाती है पाकिस्तान के अंदर, कि इनके फ्रेंच वनीला बहुत कमाल की है। मेरे हिसाब से भाई इससे अच्छी कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ की है, बल्कि सबसे अच्छी जो कॉफ़ी है वो कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ की है अभी तक जितनी भी हमने ट्राई की है। 850 रुपये में वो कॉस्ट की थी, ये हमें 700 रुपये में कॉस्ट की है, वो 550 में थी मैकडोनल्ड वाली, 850 में 12 औंस थे, इसकी क्वांटिटी भी सबसे कम है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी लेकिन चूंकि प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ना दोनों के साथ तो ये बहुत महंगी आया उस हिसाब से। जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और जिन लोगों ने इसको टेस्ट कर लिया है उनकी कुछ राय है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल फारिग है, मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल फारिग है, लेकिन जिस प्राइस के अंदर ये मिल रही है आपको और जिस जो क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड कर रही है, जो क्वान्टिटी ये मिल रही है, इस हिसाब से इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि आप कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ या कोई और ब्रांड जो भी आपको पसंद है वो ट्राई कर सकते हैं, इतनी दूर आके स्पेशली पीने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपने वैसे ही आप यहाँ पे आ रहे हैं कुछ थोड़ा सा आउटिंग करना चाहते हैं, हाँ अगर आपको सेल्फियाँ लेने का शौक है टिम हॉर्टन्स पे खड़े होकर, आपको ऐसा लगे अगर आप कनाडा में मौजूद हैं और आपको अपने कनाडा में कोई आपके कोई रहते हैं कोई रिश्तेदार रहते हैं, आप कनाडा रह चुके हैं कनाडा में रह के आए हुए हैं और आपको टिम हॉर्टन्स बहुत याद आ रहा है, तो यहाँ पे आके आप टिम हॉर्टन्स पे बैठ के आप वो फीलिंग्स ले सकते हैं, शायद आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ जाए, कनाडा फील हो रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है मैं नानी के साथ बैठ के दादी के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ। जो भी यहाँ पर रश लगा है दैट वॉज टोटली मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो कि बहुत अच्छी मार्केटिंग की गई है इसकी यहाँ पे लॉन्च से पहले, इसके बहुत अच्छी मार्केटिंग उन्होंने की है जिसकी वजह से यहाँ पे रश लगा अभी तक लगा हुआ है और अभी तक लाइंस लगी हुई हैं। बिल्कुल ये भी पतली है, थोड़ी सी ये मैकैफे से अगर आप इसे कंपेयर करें थोड़ी सी उसकी निस्बत ये गाड़ी है, कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी ये उसकी निस्बत मुझे पतली लग रही है। यार मैं ऐसे सेल्फी लूँ जरा, ऐसे ऐसी तस्वीर तो लेना जरा मेरी, शायद मैं मशहूर हो जाऊँ। आ गई, ओके चलो, अब शायद मैं भी मुझे अब लगेगा कि शायद मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ जिसने टिम हॉर्टन्स पे आके कॉफ़ी पी ली, मुझे वो ये सोसाइटी अब शायद मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, बुरी नहीं है, डेफिनेटली बुरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, मीठी बहुत ज़्यादा जो कि नहीं होनी चाहिए। बाकी ये वीडियो हम ये भी खत्म कर रहे हैं, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो दिस इज माई इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, आपसे कब शब्द मुलाकात होती है लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत सारी अपडेट्स आती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको फास्ट फूड अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में बता दें कि फास्ट फूड करते रहें, इस तरह का कंपैरिजन हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, और चैलेंजेस भी करते रहेंगे, स्ट्रीट फूड भी करेंगे, एवरी टाइप ऑफ फूड हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अब इस चैनल के ऊपर। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।